खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। राष्ट्रपति कोविंद ने 62 खिलाड़ियों को सम्मानित किया, 12 को खेल रत्न, 35 को मिला अर्जुन अवार्ड। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति ने दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 खिलाड़ी बने अर्जुन अवार्डी। पीएम मोदी ने की उच्चस्तरीय बैठक, क्रिप्टो करेंसी को टेरर फंडिंग का हथियार न बनने पर दिया जोर। मणिपुर में असम राइफल में काफिले पर हमला, 5 जवान शहीद, सीओ की पत्नी और बेटी की भी मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। मणिपुर हमले पर बोले राहुल गांधी, देश की सुरक्षा करने में असमर्थ है मोदी सरकार, फिर साबित हुआ। मोदी के पीएम बनने से पहले भारत आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था, बीजेपी का कांग्रेस के शासनकाल पर जोरदार हमला। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले योगी जी ने पूर्वांचल को मच्छर मुक्त बनाया और माफिया यूपी के बाहर घर ढूंढने लगे। विश्व मधुमेह दिवस, इस साल 67 लाख डायबिटीज रोगियों की गई जान, 21वीं सदी की सबसे भयावह हेल्थ इमरजेंसी होगी मधुमेह। चुनावी जीवी घर घर जाएंगे, जाति धर्म व जिन्ना में उलझाएंगे, राकेश टिकैत ने किया ट्वीट, बोले हमें किसान मजदूर ही बने रहना है। तिकोनिया कांड, किसानों की महापंचायत आज पीलीभीत के पूरनपुर में, चडूनी सहित अन्य किसान नेता जुटेंगे। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।